हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शुभांगी जैन फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल, नया गाँव, कोटा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर ज्योग्राफी, दैट इज एग्रीकल्चर। चैप्टर 5, एग्रीकल्चर। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आर इंडिया। नेक्स्ट, वॉट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर एग्रीकल्चर एंड द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वी प्रैक्टिस इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट विद आर चैप्टर। एग्रीकल्चर, वॉट इज़ एग्रीकल्चर? इट मीन्स कल्टिवेशन और ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। हमारी क्रॉप्स को कल्टिवेट करना, उनको ग्रो करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर। इट इंक्लूड्स सच मोर एक्टिविटीज़ लाइक रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। फॉरेस्ट्री, फिशिंग और लाइफ स्टॉक यानी कि कैटल्स को पालना, ये सब भी किसी कौन सी एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाता है, एग्रीकल्चर के साथ ही। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड वीट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो फूड हम ईट करते हैं वो कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इंगेज। हमारे पूरे वर्ल्ड का 50% पॉपुलेशन किस चीज़ में इन्वॉल्व है, कौन से ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में इन इंडिया। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन यानी 67% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कई और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं दोज आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, सच एज पिसिकल्चर। पिसिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ फिश। सेरिकल्चर मीन्स ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। एपिकल्चर मीन्स कीपिंग ऑफ बीज यानी बीज को पालना। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। एंड विटिकल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स को कल्टिवेट करना, द टर्म यूज एज विटिकल्चर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, दैट हर 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, 2/3 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो वॉट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर एग्रीकल्चर? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं? क्रॉप्स कैन ओनली बी ग्रोन ऑन अरेबल लैंड। हमारी क्रॉप्स किस पे कल्टिवेट की जा सकती है? ओनली ऑन द फर्टाइल लैंड, ऐसी लैंड जो फर्टाइल हो। सो इट एग्रीकल्चर इज बेस्ड अफेक्टेड बाय मैनी अदर फैक्टर्स सच एज फिजिकल फीचर, क्लाइमेट, सॉइल एंड इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स। वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज फैक्टर्स, ऑल दीज फोर फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स मीन्स लैंडफॉर्म ऑफ आर अर्थ। हमारी लैंड के जो पैटर्न्स हैं उन पे भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वेरी करता है, डिपेंड करता है। लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंसेस क्रॉप कल्टिवेशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। फर्टाइल प्लेन्स, रिवर वैलीज एंड डेल्टाज आर मोर सुटेबल फॉर फार्मिंग। फर्टाइल प्लेन्स जहाँ पर होते हैं, प्लेन एरियाज, रिवर्स के आसपास वाला एरिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। इन दीज एरियाज द लैंड हैज़ एलुवियल सॉइल एंड पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई। और यहाँ की सॉइल कैसी होती है? एलुवियल सॉइल होती है जो रिच इन ह्यूमस होती है, और इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत कन्वीनियंट होता है, और इसके साथ यहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे चीप लेजर इजिली अवेलेबल हो जाती है। ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ फार्म मशीनरी इज़ कन्वीनियंट। और यहाँ पे मशीनरीज भी इजिली कन्वीनियंट होती है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन भी कन्वीनियंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की लैंड कैसी होती है, प्लेन लैंड। इन प्लेटियोज द प्रेजेंस ऑफ रॉक्स मेक्स प्लगिंग डिफिकल्ट एंड द सॉइल इज़ नॉट सो फर्टाइल। और अगर हम प्लेटियो रीजन की बात करें तो यहाँ पे जो रॉक्स प्रेजेंट होती है उसकी वजह से प्लगिंग, खेत खोदना बहुत मुश्किल हो जाता है, और सॉइल भी उतनी फर्टाइल नहीं होती है। सेम विद द माउंटेन, माउंटेन की सॉइल होती है थिन, और सॉइल इरोजन की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी बहुत डिफिकल्ट होती है या फिर अवेलेबल नहीं होती है। सो फर्स्ट फैक्टर वॉज क्लाइमेट। नाउ सॉरी फिजिकल फैक्टर्स। नाउ द सेकेंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर इज क्लाइमेट। क्लाइमेट पे भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ दैट एरिया। किसी भी जगह की टेम्परेचर और रेनफॉल पे भी हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। जैसे कि राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट एंड वाटर एंड हैंस इट इज़ ग्रोन इन वेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस को वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होती है, राइस कल्टिवेट करने के लिए हमें वाटर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और हीट भी। तो इसे ऐसे रीजन्स में कल्टिवेट किया जाता है जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे वेट रीजन्स हो। वहीं अगर हम वीट की बात करें तो वीट को बहुत कम अमाउंट में हीट और वाटर की नीड होती है, इसलिए इसको ड्राई एरियाज़ में कल्टिवेट करना पॉसिबल हो सकता है। सेम विद द मिलेट्स। मिलेट्स कैन ग्रो इन हॉट एरियाज़ विद लेस रेनफॉल। मिलेट्स मीन्स बाजरा। तो बाजरा को हम ईजिली हॉट एरियाज़ में कल्टिवेट कर सकते हैं, इनको रेनफॉल की भी यानी वाटर की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है।
Plants do not grow well in places with very cold climate and thus hardly any agricultural activities occurs here. और वहीं अगर हम कोल्ड क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत हार्ड होता है, प्लांट्स यहाँ पे कल्टिवेट नहीं हो पाते इजीली. नाउ द थर्ड फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर इज़ द सॉइल. क्वालिटी ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि हमारा एग्रीकल्चर करना पॉसिबल है या नहीं. द क्वालिटी ऑफ सॉइल ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्रॉप्स दैट आर ग्रोन. एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट क्रॉप्स कैन ग्रो इन इट, वेल क्ले सॉइल रिटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर एंड ओनली क्रॉप्स विच थ्राइव इन वाटर आर ग्रोन इन इट. एलुवियल सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है और वेरी फर्टाइल होती है ये, इसलिए इनमें क्रॉप्स कल्टिवेट करना ईजी होता है. वहीं अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करके रखती हैं, इसी वजह से यहाँ क्ले सॉइल में वही प्लांट्स कल्टिवेट कर सकते हैं जिनको वाटर की नीड ज़्यादा होती है. सॉइल विच आर पॉरस एंड कंटेन हाई न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस गुड क्रॉप्स. ऐसी सॉइल जो पॉरस होती है जिनमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं उन्हीं में हम अच्छी क्रॉप्स कल्टिवेट कर सकते हैं. लास्ट फैक्टर इज इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स. कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर. कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर. वो सभी चीज़ें जो हम अपने एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इन चीज़ों पे भी हमारी एग्रीकल्चर काफ़ी डिपेंड करती है. कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर फार्म इनपुट्स. कैपिटल किन किन चीज़ों के लिए चाहिए? सीड्स के लिए, मैन्योर के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए और कई इंप्लीमेंट्स के लिए, टूल्स के लिए. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू यूज़ मॉडर्न मशीनरी एंड फार्म टेक्नोलॉजी. नई नई मशीनरीज को यूज़ करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड. और नई नई टेक्नोलॉजीज से हम हमारी क्रॉप का यील्ड यानी द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो इसीलिए हमारे लिए कैपिटल और टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. वेर एवर न्यूअर एंड बेटर टेक्नोलॉजी इज यूज द क्रॉप यील्ड हैज शोन सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी. देखा गया है कि जब जब हमने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज़ करी हैं तब तब हमारी जो क्रॉप्स हैं उन्होंने उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर फार्मर्स एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स. अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, फार्मर्स को लोन अवेलेबल है या नहीं एग्रीकल्चर के लिए, हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो फार्मिंग्स के फेवर में है या नहीं, इन सब चीज़ों पे भी हमारा एग्रीकल्चर काफ़ी डिपेंड करता है. एंड द लास्ट इज़ ह्यूमन फैक्टर. ह्यूमन फैक्टर मीन्स लेबर, जो मजदूर हमें मिलने वाले हैं. तो एडिक्वेट और चीप अमाउंट में हमें लेबर मिलना, इससे भी हमारा बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस होता है. नाउ द टाइप्स ऑफ लाइक एग्रीकल्चर. देर आर मेनी वेज इन विच फार्मिंग. हमारे इंडिया में कई ऐसे वेज है जिनके थ्रू हम इंडिया में फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं. सो वी हैव सर्टन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. We have two divisions, subsistence farming and commercial farming. In subsistence farming, we have two subdivisions, that is intensive and primitive subsistence farming. Of that primitive subsistence farming, we have subdivision, that is shifting cultivation and nomadic herding. And commercial farming is of three types, commercial grain farming, plantation farming and mixed farming. So first we will talk about subsistence farming, next we will be talking about the commercial farming. So let's start with the subsistence farming. Subsistence farming means जब farmers एक small plot of land पे agriculture practice करते हैं और कुछ amount, मतलब little amount of money invest करते हैं, crops grow करते हैं, जो सिर्फ किसके लिए enough होती है, उनकी families के लिए. वो सिर्फ अपनी family को feed करने के लिए छोटे amount, छोटे plot of land पर क्या करते हैं, agriculture practice करते हैं. There is no surplus for sale. और उनके पास इतना नहीं बचता है कि वो उसको मार्केट में सेल कर सके. ये किस लिए कल्टिवेट करते हैं? सिर्फ अपनी फैमिली को फीड करने के लिए. सच फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज़ नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. और इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग. और इसमें जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, प्रिमिटिव मेथड्स, यानी कि ऐसे मेथड्स जो हम पुराने टाइम पर यूज़ किया करते थे, नो न्यू टेक्नोलॉजीज. सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम जो सीड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं वो पुअर क्वालिटी के होते हैं और यहाँ पे जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. फर्स्ट है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसमें जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है और वहीं पर जो लैंड एरिया होता है वो स्मॉल होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. ड्यू टू फर्टाइल सॉइल एंड फेवरेबल क्लाइमेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू और थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्टाइल सॉइल अवेलेबल होती है, इसीलिए हम यहाँ पे एक साथ टू और थ्री क्रॉप्स कल्टिवेट कर सकते हैं साल के अलग अलग टाइम में.
नाउ नेक्स्ट इज द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये स्मॉल स्केल पे की जाती है वो फार्मिंग है, और इसमें जो हम मेथड्स यूज़ करते हैं वो प्रिमिटिव नेचर के होते हैं, यानी कि ओल्ड मेथड्स हम यूज़ करते हैं. इट इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमेडिक हर्डिंग. इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमेडिक हर्डिंग. फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टिवेशन, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का फर्स्ट टाइप शिफ्टिंग कल्टिवेशन. व्हाट हैपेंस इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इस सिस्टम में हम एक प्लॉट ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, यानी उसे काटते हैं, उसके बाद उसे बर्न करते हैं. बर्न करने के बाद जो एशेज होते हैं उनको हम किस में मिक्स कर देते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं. कि वाई, बिकॉज वी वॉन्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल. अपनी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए उन्हीं एशेज को जो हमने बर्न किए हैं उनको किस में मिक्स कर देते हैं, विद द सॉइल. और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न मेथड्स. इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स कल्टिवेट की जाती हैं, मेज, पटेटोज, याम, कसावा, ये इस मेथड्स के थ्रू हम कल्टिवेट कर सकते हैं. 2 or 3 years के बाद जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी खो देती है, उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स उस प्लेस को लीव कर देते हैं और कहीं और जाकर नए प्लॉट ऑफ लैंड पर सेम प्रैक्टिस दोबारा से करते हैं. शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन द थिक फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन बेसिस. कहाँ कहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है, अमेजॉन बेसिस, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. और इसको हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कॉल्ड रोका इन ब्राज़ील. ब्राज़ील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है. लदांग मलेशिया में. मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है. और कोंगो बेसिन ऑफ अफ्रीका में इसको मैसॉल के नाम से जाना जाता है. और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको क्या कहते हैं हम, झूम कल्टिवेशन. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रिमिटिव एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज नॉमेडिक हर्डिंग. दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस इन रीजन वेयर एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल. जहाँ पर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नॉमेडिक हर्डिंग. नॉमेडिक हर्डिंग मीन्स जब हम हमारे एनिमल्स को, जैसे कि शीप, गॉड्स और कैमल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते रहते हैं, और किसकी सर्च में, इन सर्च ऑफ फॉडर एंड वाटर फॉर द एनिमल्स. एनिमल्स के फॉडर और वाटर के लिए जब हर्डर्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉमेडिक हर्डिंग. और ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है, सहारा इन द अफ्रीका, राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर इन इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया. इन जगह पर हमारी नॉमेडिक हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती है. और ऐसे लोग जो अपने एनिमल्स को लेकर मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉमेडिक हर्डर्स. दिस फॉर्म ऑफ हर्डिंग इज रिलेटेड टू पेस्टोरलिज्म. ट्रांसह्यूमेंस इज द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइफ स्टॉक फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनादर इन अ सीजनल साइकिल. और ट्रांसह्यूमेंस या फिर पेस्टोरलिज्म यही प्रैक्टिस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने लाइफ स्टॉक यानी कि कैटल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव ले जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेजिंग. दीज हर्डर लिव, ये जो हर्डर्स होते हैं ये कहाँ रहते हैं, टेम्प्ररी अपने सेटलमेंट्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये अपने लिए क्या बनाते हैं, टेंट्स और टेम्प्ररी ड्वेलिंग्स बनाते हैं. अलग अलग जहाँ जहाँ जगह ये जाते हैं वहाँ पे अपने टेंट्स सेटल करते जाते हैं फॉर अ टेम्प्ररी पर्पस. और कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, द एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल एंड हाइट फॉर द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज. और इन्हीं एनिमल्स के थ्रू इनको क्या मिलता है, इनका लाइवलीहुड चलता है. इन्हीं से इनको मिल्क मिल जाता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है और हाइट्स मिलते हैं. नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इज कमर्शियल फार्मिंग. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइफ स्टॉक इज रियर्ड फॉर सेल इन द मार्केट. जैसा हम पहले वाली टाइप में देखा था उसमें क्या होता था कि सिर्फ फार्मिंग की जाती थी, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग में हम फार्मिंग के साथ साथ लाइफ स्टॉक को भी पालते हैं, यानी कैटल्स को भी पालते हैं और क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं इन द मार्केट. द एरिया कल्टिवेटेड एंड कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज. जिस एरिया में ये कल्टिवेशन किया जाता है वो एरिया काफ़ी लार्ज होता है. द अमाउंट इन्वेस्टेड, वो कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होती है. और ज़्यादातर जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द मशीन्स. द कॉमन टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. अब जो कॉमन टाइप्स की कमर्शियल फार्मिंग है उनके नाम क्या क्या है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है मिक्स्ड फार्मिंग एंड थर्ड टाइप है प्लांटेशन फार्मिंग. सो फर्स्ट टाइप कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड नोन एज प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका. ये कई ऐसे ग्रासलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रेरीज कहाँ पे है, इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेप्स इन यूरेशिया एंड पंपास इन साउथ अमेरिका. दीज ग्रासलैंड आर नॉट डेंसली पॉपुलेटेड. ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होते, यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, लोग कम रहते हैं. दे हैव लार्ज कल्टिवेबल एरिया एंड आर कल्टिवेटेड यूजिंग फार्म मशीन एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. यहाँ पे जो कल्टिवेशन किया जाता है वो नई मशीनरीज को यूज़ करके किया जाता है. दिस कंपनसेट, और इसी वजह से यहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, लेबर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे मॉडर्न मशीनरीज यूज़ करते हैं. वीट एंड मेज आर द कॉमनली ग्रोन क्रॉप्स इन दीज फार्मिंग.
सो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रॉप्स हैं वो कौन सी है? वीट एंड मेज़। मेज़ मीन्स मक्का। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फार्मिंग इन कमर्शियल फार्मिंग इज मिक्सड फार्मिंग। एज द नेम सजेस्ट, मिक्सड फार्मिंग मीन्स यहाँ पे हम कल्टिवेशन भी करेंगे और रियरिंग भी करेंगे। सो इन मिक्सड फार्मिंग लैंड इज यूज, जो लैंड होती है वो हम क्रॉप कल्टिवेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और एनिमल्स को पालने के लिए भी यूज़ करते हैं, और उन्हीं से हमें क्या मिलता है? मिल्क एंड मीट मिलता है। दीज फार्म्स आर मॉडर्न। ये फार्म्स कैसे होते हैं? मॉडर्न होते हैं, हाईली मैकेनाइज। यहाँ पे अच्छे अच्छे हम मशीनरी, लेटेस्ट मशीनरीज यूज़ करते हैं। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ये कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? USA, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड साउथ अफ्रीका। नाउ यू कैन सी द लास्ट टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, दैट इज प्लांटेशन फार्मिंग। थर्ड, प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग इज डन ऑन लार्ज फार्म्स कॉल्ड एस्टेट। बड़े बड़े फार्म्स पे इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जिन्हें उन बड़े फार्म्स को हम क्या बोलते हैं? एस्टेट्स। जहाँ पर मोस्टली सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनानास और ऑयल फार्म्स। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। क्योंकि ये लार्ज एरिया पे कल्टिवेशन किया जा रहा है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर की नीड होती है। और जो प्रोसेस होता है वो कौन कर, वो कहाँ पर होता है? ऑन द फार्म इटसेल्फ। कि हमारा जो रॉ मटेरियल है उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना भी प्रोसेस किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? ऑन द फार्म इटसेल्फ। और कहाँ पे सेल कर दिया जाता है उसे? इन द मार्केट। टी, कॉफ़ी, रबर प्लांटेशन इन इंडिया, बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़ एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील आर कॉमन। और ये सब किसके टाइप्स हैं? प्लांटेशन फार्मिंग के। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।